वॉइस ऑफ द यूथ। 68% ने कहा कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहेंगे, कि हमारी कोई एम्बिशन ही नहीं है। यहाँ पर डिग्री होल्डर्स तो बहुत है लेकिन उनको मौके नहीं मिलते। बीना गर्ल अपने कंट्री को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, मैं पाकिस्तान छोड़ना चाहूंगी। कि पाकिस्तान में जितनी भी यूथ है वो मायूस हो चुकी है। कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी के साथ काम करना नहीं चाहता। यहाँ मौका नहीं मिलता हमें तरक्की करने का। जब तक आप एक मुस्तकिल जद्दोजहद नहीं करेंगे दुनिया में कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए? ये वो सोसाइटी जिसने अब्दुल सलाम को बाहर निकाला, ने फैज अहमद फैज को जेल में डाला। ये सोसाइटी ब्रेन ड्रेन करवाती है और ये अच्छे लोगों को बाहर भेजती है। बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर मुझे आज मौका मिले तो मैं कल के लिए नहीं ठहरूंगा, आज ही जाऊंगा। द यूनिवर्सिटी हैड नॉट प्रोवाइड दैट एनवायरमेंट फॉर अस टू एनहांस आवर पोटेंशियल्स। एब्सोल्युटली नॉट। I'll never leave my country. हमारी कोई अपनी ऐसी इनोवेशन नहीं है। अभी तक हमने एक सुई भी नहीं बनाई है। बड़े ख्वाब देखें। दुनिया के टॉप 25 एग्जीक्यूटिव्स, अमेरिका के प्रोफेसरान में, दुनिया के प्रोफेसरान में इंडियन शामिल हो गया। I don't want to see kids who are eating parathas and nihari. You have to go overseas and hone your skills. $2.5 trillion की कंपनी, पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी कंपनी क्या करती है? सिर्फ तहकीक। ये सेशन अगर आप इसका नाम देखो तो इस सेशन का नाम है ओपन माइक वॉइसेस ऑफ द यूथ। इसमें सिर्फ जो यंग लोग हैं उनको बोलने की इजाज़त होगी, बाकी नहीं। क्या बोलने की इजाज़त होगी? मैं आपको बताती हूँ कि इस सेशन का हमें आइडिया जो है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। पाइड ने एक सर्वे किया, नाम है उसका बेसिक सर्वे। बेसिक्स में हम क्या देख रहे हैं? पाकिस्तानियों की बिलीव्स, एटीट्यूड्स, सोशल कैपिटल, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी एंड सेल्फ। उसमें एक हमारा सवाल था कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, तो क्या आप छोड़ के जाएंगे? उसमें एक मेजॉरिटी जो यंग लोगों की थी उसने कहा यस। 68% ने कहा कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहेंगे। किसी यंग बच्चे ने कहा कि जो बाकी 32% हैं वो झूठ बोल रहे हैं, सब यहाँ से भागना चाहेंगे। इसी सर्वे में एक और हमारा सवाल था कि जिसमें हमने पूछा कि आपकी कोई ज़िंदगी की एम्बिशन, एस्पिरेशन है, अगर है तो क्या वो पूरी हो गई, और अगर नहीं पूरी हुई तो आपका क्या ख्याल है कि उसकी वजह क्या थी। ना पूरी होने की वजूहत उसी तरह की थी, रिसोर्सेज नहीं थे, सोसाइटी अलाउ नहीं करती, सेल्फ मोटिवेशन की कमी थी, माँ बाप ने इजाज़त नहीं दी। लेकिन उसमें जो परेशानी की चीज़ थी वो ये थी कि एक काफ़ी बड़ी प्रोपोर्शन ने कहा कि हमारी कोई एम्बिशन ही नहीं है। अभी मेरे से किसी ने कहा कि जी वो फ़ोन पे वीडियो बना रहा था कि आप मालाकंड के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो मैंने कहा मैं वही मैसेज देना चाहूँगी जो मैं हर यूथ को देना चाहूँगी कि प्लीज़ ख्वाब देखें, बड़े बड़े ख्वाब देखें, उसके लिए बहुत सी मेहनत करें, बहुत सी मेहनत करें। बनी बनाई शॉर्टकट्स वाली कभी कोई चीज़ नहीं होती है, और थोड़ा सब्र भी दिखाएं। ये नहीं कि अच्छा जी मैंने मेहनत की मुझे इसका फल नहीं मिला, छोड़ दें। अब आप लोगों से जो मेरा सवाल है, अच्छा हाँ, इसमें अब हमने करना क्या है, आप लोग हाथ खड़ा करेंगे और यहाँ आते जाएंगे। जो बच्चा बोलेगा, बच्चे से मेरी मुराद बच्चा बच्ची, मेल्स फीमेल सब हैं, और फीमेल्स पार्टिसिपेट करेंगी इसमें, वो यहाँ आके बात करेंगे। आपने मुझे बताना है पहला सवाल जो था कि जी अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहेंगे, हाँ तो क्यों, नहीं तो वो भी क्यों। और दूसरा सवाल प्रॉबेबली इससे भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ड्रीम्स क्या हैं, आपकी, आप लोग ये इवन यहाँ पढ़ रहे हो इस यूनिवर्सिटी में, क्यों पढ़ रहे हो, जो भी डिग्री लेना चाह रहे हो। कल मेरी कुछ बच्चियों से मुलाकात हुई, वो पॉलिटिकल साइंस की थी, वो CSS करना चाह रही। आज मेरी, हमें गर्मी लग रही थी, हम इस AC की हवा शेयर कर रहे थे, कुछ बच्चियों से बात हुई, वो जर्नलिज्म की थी। मैंने कहा आप क्या करना चाहती हैं, तो उन्होंने, एक ने कहा कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, एक ने कहा मैं रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। मुझे यहाँ आके एटलीस्ट ये फीलिंग नहीं हुई कि बच्चे कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपने पहले सवाल का जवाब देना है कि जी रहना चाहते हैं, हाँ या नहीं, और क्यों। दूसरा ये कि आपकी ड्रीम्स क्या हैं, और आपने उसमें बताना है कि उसको हासिल करने के लिए आप कर भी क्या रहे हैं।
बनी बनाई चीज़ नहीं मिलेगी। दो बच्चे थे जिन्होंने बहुत नाराज़गी का इजहार किया था, एक का नाम मुझे याद रह गया है, उनका नाम, आप आ जाओ सबसे पहले, आप जी आप, क्योंकि आप बहुत गिला कर रहे थे, मुझे कोई बोलने नहीं देता। और एक क्या नाम था, मुसल्लीम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, आते जाओ, जिस बच्चे ने बोलना है वो आता जाए। ये बस अब माइक जो है आपके हवाले है। आप एक चीज ऐड कर दें, एक चीज ऐड कर दें, ये जो है ना सेशन, दिस इज अबाउट यू एंड दिस इज अबाउट योर कल्चर, इसमें पॉलिटिक्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये कहना कि इमरान खान या नवाज शरीफ का कसूर है, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आप जवान लोग हैं। और मेरी अभी कुछ जवानों से बात हुई थी बाहर, तो मैं देख रहा था कि जवान लोग जो है ना वो क्या सोच रहे हैं। तो हमारी सेशन ये है, जवान की सोच क्या है ये बताइए। बहुत लंबी लंबी बात नहीं करनी है ताकि अगले बंदे को मौका मिले। आपकी बात जैसे ही ख़त्म होगी आपने अगले बंदे को खुद से माइक देना है। और कोई ऐसा पॉइंट रेज करें जो हमारे दिमाग भी रोशन हो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, ये आपने मुझे बोलने का मौका दिया और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जो बोलेगा अच्छा ही बोलेगा। तो मैम ने पहला सवाल किया कि तुम क्या पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हो या नहीं। तो आपके सर्वे के मुताबिक तो 68% लोगों ने यही जवाब दिया कि हाँ हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। और उसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो है ना वो मौके नहीं मिलते बच्चों को। यहाँ पर डिग्री होल्डर्स तो बहुत है लेकिन उनको मौके नहीं मिलते। यहाँ पर जो है ना इलीगल तरीके से लोग आते हैं, करप्शन बहुत है, तो इस हवाले से वो नहीं जाना चाहते हैं। ज़ाती खुद मैं पाकिस्तान छोड़ के इसीलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे एक नया मंजर दिखता है। वी आर रिच इन कल्चर, वी आर रिच इन एवरीथिंग। वहाँ पर खूबसूरती है, टूरिज्म स्पॉट्स भी है, वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी है, हमारा ट्रेडिशन है, हम इमोशनली अटैच है पाकिस्तान के साथ, अपने इलाके के साथ, अपने कबाइल के साथ, सब हम इमोशनली अटैच है। और वहाँ पर हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है जिसकी वजह से ये अगर हम जाना भी चाहते हैं तो ये चीज़ें हमें जाने नहीं देती। दूसरी बात कि आपने कहा कि आपकी एम्स क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले लोग जो हमारे यहाँ जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको सिर्फ दो ही चीज़ें बताई जाती है, या तो तुम्हें डॉक्टर बनना है या तो तुम्हें इंजीनियर बनना है, उस पर फोकस किया जाता है। माँ बाप भी कहते हैं कि डॉक्टरी में बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग में स्कोप है, ये करो वो करो। फिर उसके बाद जब आता है तो अब एक हवा छा गई है CSS की, कम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो अब सारे बच्चे सोशल साइंसेज की तरफ जाना चाहते हैं और उसके बाद CSS और वगैरह करना चाहते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि उनको पता है कि इनमें हमारा फ्यूचर सिक्योर है। लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ वो सिर्फ इतना है कि मैं अपने इलाके को रिप्रेजेंट करूँ किसी आला लेवल पर, मैं अपने इलाके का नाम आगे बढ़ाऊँ। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठे तो यहाँ पर चतराल की बात हुई, यहाँ पर पंजाब की बात हुई, यहाँ पर सवात की बात हुई, लेकिन हमारे अपर दीर किसी ने नहीं कहा। अगर टूरिज्म के हवाले से करें तो हमारे अपर दीर में अभी तक हमने रिसेंटली पिछले मंथ ही कोशिश तो बहुत दिनों से जारी थी लेकिन हमने 17 lakes डिस्कवर किए, ऐसे लेक जो किसी ने देखी नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट उस तरफ तवज्जो नहीं देती। देखें दो बातें मैं इस पर कह दूँ, पहली चीज़ तो मुझे बताइए कि माशाल्लाह आप मुल्क नहीं छोड़ना चाहते, आपने दो पॉइंट्स रेज किए ना, आप मुल्क नहीं छोड़ना चाहते और आप माशाल्लाह अपने इलाके का नाम रोशन छोड़ना करना चाहते हैं। मोहम्मद बिन कासिम और खालिद बिन वलीद भी मेरा ख्याल वो भी अपने घर से मोहब्बत करते थे और उनके पास जाना भी मुश्किल था पर वो निकल आए, उसमें उन्होंने इस्लाम का नाम रोशन किया और वो माशाल्लाह आज तक हम याद रखते हैं। तो अगर आप घर में बैठना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि जी हम इलाके का नाम रोशन करें घर बैठ के, तो यार मेरा नहीं ख्याल ये हो सकता। आगे माइक पास करें। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज समन हबीब फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। सर ने जैसे कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसे की ना, तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि बीन अ गर्ल अपने कंट्री को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको पता है कि लड़की इमोशनली बहुत वीक होती है और अगर वो चाहती है कि वो अपने ड्रीम पूरा करे तो मैं नहीं चाहती, मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता किसी एक गर्ल को दूसरी कंट्री में भेज दे, तो ये बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात, क्योंकि उसकी फैमिली की सपोर्ट भी होनी चाहिए ताकि, और जो हमारे दिर में खासकर जो मैं दिर से बिलोंग करती हूँ और दिर में आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल कि जो एक लड़की है वो दूसरी कंट्री में जा के पढ़ सके। अगर आप लोग जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन करते, अगर आप दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो लोग हैं वो वीक होते हैं, मतलब फाइनेंशली बहुत वीक होते हैं, और आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, अगर आप इस तरह कर ले कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बना दे कि ये लोग फ्रीली वहाँ पे जा सके
क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के दो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई की थी अमेरिका में, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए, इवन वो बहुत काबिल थे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो जा सकते हैं, वो वहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन बीन अ गर्ल इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लीव अवर कंट्री। और दूसरा सवाल जो है, इस पर मैं थोड़ी सी बात कर दूँ। मेरी बेटी 12,000 मील दूर गई पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, और 4 साल वहाँ पढ़ी, फिर लंदन गई 4 साल पढ़ी। ठीक है, क्या बड़ी बात है, क्यों नहीं लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, रिसोर्सेज क्यों नहीं, स्कॉलरशिप मिलते हैं। सर मैं ओवरऑल बात नहीं कर रही, मैं अपनी दिर की बात कर रही हूँ ना, दिर की जो वो लोग वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ज्यादा सुना है स्कॉलरशिप बहुत मिल जाते हैं। यस, अफोर्डिंग की बात सर, नहीं सर, जो मैंने सर जो काबिल लोग होते हैं वो बहुत कम जाते हैं, क्योंकि इवन हमारी यूनिवर्सिटी में मैं अपने एक हमारी जो क्लास में एक लड़का है हसन, वो बहुत ज्यादा काबिल है, इवन वो क्रिटिकल लिहाज से हर लिहाज से वो बहुत काबिल है। उसको मतलब अगर वो अमेरिका जा सकते हैं, वहाँ पे स्कॉलरशिप या बीएस कर ले, वापस आ जाए, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन उन लोगों ने उसको सेलेक्ट नहीं किया। सेलेक्ट नहीं किया तो कोई और ट्राई करे, नहीं, एक दफा तो नहीं होता। आई नो सर, लेकिन फिर भी ना उसको चाहिए था। हम लोगों ने 3-3, 4-4 साल अप्लाई किया था भाई, 1 साल नहीं मिलती, 3-3, 4-4 साल अप्लाई किया था, कोशिश बड़ी की, मिन्नतें तरले किए, ये करना पड़ता है। अब ये हमारे बच्चे भी सॉफ्ट है, कहते हो एक दफ़ा अप्लाई किया अब नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, हाय माँ का दूध बड़ा अच्छा है, घर बड़ा अच्छा है, पराठे खाएंगे आराम से बैठ के, ये तो बात नहीं चलती ना। जैसे मैं FSC में जब मेरे रिजल्ट आया तो मेरे 896 मार्क्स थे, उसके बाद जब मैंने ईटा का जब टेस्ट किया तो उसमें मेरे 100 मार्क्स थे। तो इवन जब मैं 6-7 क्लास में थी, 8 क्लास में मेरे जो बर्थडे था तो उसमें भी जब मेरी जो कज़न था उसने केक लेकर दिया था, तो उसमें भी हैप्पी बर्थडे समन डॉक्टर समन हबीब लिखा था, तो इस वजह से मैं बहुत खुश थी, मैंने कहा कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने टेस्ट में मार्क्स भी कम लिए और मैंने FSC के मार्क्स भी कम लिए, इस वजह से मैं नहीं गई। लेकिन आई एम वेरी ग्लैड टू बी द स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मलाका एंड स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उपा हसन है, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। सर ने कहा कि हम अगर हमसे कोई पूछे कि हम पाकिस्तान छोड़ना चाहें या नहीं, तो हम बीइंग अ स्टूडेंट हमारा क्या आंसर होगा, तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे सामने मेरा फ्यूचर है, और मुझे पता है कि मतलब मुझसे जो आगे ग्रेजुएट हुई है वो भी अनएम्प्लॉय है, तो मैं यही कहूँगी कि हाँ मैं पाकिस्तान छोड़ना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान के करंट जो हालात है। लेकिन मैं खुद ये कहूँगी कि मैं एक वफादार और मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहूँगी। इसकी वजह यह है कि इस इदारों को मेरी ज़रूरत है। सर मैं इसी भी ये कहूँगी कि सर ने अब वहाँ पर जब मैं बैठी थी तो सर ने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करना, मैंने कहा आप लोगों ने पॉलिटिक्स को सिर्फ सियासतदानों तक महदूद किया है, सर उन्होंने हमारे फ्यूचर को काया है, सर वो इदारे है, उसमें जो लेजिस्लेशन होती है, उसमें जो इंटरप्रिटेशन होती है, मर्जी से उसको यूथ की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 64% जो है अंडर 30 है। इस तरह हमारे बहुत सारे टीचर जो है वो भी यही कहते हैं कि पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करना। जब भी क्लास में अगर मैं कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन करती हूँ तो आप स्टूडेंट है नहीं कर, स्टूडेंट को ज़रूरत है सियासत में आने की। वहाँ पर जो बेटी है हमारे लिए जो लेजिस्लेशन करते हैं, जो हमारे लॉ मेकिंग करते हैं, वो कौन है, उनकी तालीम को देखे वो मतलब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो मतलब गुजरा है, मतलब उसकी एजुकेशन हमें पता भी नहीं होती कि क्या है, लेकिन वो ऐसे मिनिस्ट्री पर बैठे हैं कि उसको कब उसके बारे में पता भी नहीं होता। मैं ये नहीं कहती, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में जितनी भी यूथ है वो मायूस हो चुकी है। वजह ये है कि अगर वो पॉलिटिक्स में मतलब एक्टिव, ये नहीं है कि पार्टी को इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उसको अगर अवेयरनेस होगी, उसको इसके बारे में अगर पता होगा कि हमारे पाकिस्तान में चल क्या रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते उसको पता भी नहीं होता कि हमारा मतलब ये मिनिस्टर कौन है, हमें भी अब इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया है, क्योंकि ये जो हालात हो रही है ये स्टूडेंट को तबाह कर रही है। और दूसरा ये मैं अपने टीचर से मतलब रिक्वेस्ट करूँ, यहाँ पर हर एक टीचर आता है कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ रही, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मैं अपने टीचर्स के लिए सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगी। सर कहते ना कि वो कहते कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर एंड डोंट जज अ स्टूडेंट बाय इट्स मार्क्स, लेकिन यहाँ पर सब कुछ मार्क्स है, हमारे मुस्तकबिल सिर्फ इस मार्क्स ने तबाह किया है। पहले हम मतलब क्लास 10 में होते हैं तो एक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज में होते हैं तो दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाते हैं, और जब यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो फिर और हमारा डायरेक्शन हमें नहीं पता, FEC तक तो हमें पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। वो स्टूडेंट को इसलिए दी जाती है ताकि वो मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लास में, वो कितना एक्टिव है क्लास में, लेकिन
टीचर कहते ये हमारी मर्जी है, 20 मार्क्स मैं दूंगा खुद से, वो स्टूडेंट की मतलब उसकी कारकर्दगी को नहीं देखता। और मैं ये दूसरा ये सवाल सिर्फ अपने टीचर से ये कहूँगी कि मतलब प्रैक्टिस चाहिए। यूनिवर्सिटीज है ना, हमने कॉलेज में भी थ्योरी पढ़ी है, स्कूल्स में भी थ्योरी पढ़ी है, हमें यूनिवर्सिटी में अब प्रैक्टिस चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल वर्क चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रफीउल्लाह काकी है और डिजिटल मार्केटर भी हूँ और लेक्चरर यूनिवर्सिटी में भी हूँ। क्वेश्चन तो ये है कि पाकिस्तान आप लोग क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो सर मैं दो तीन आर्गुमेंट्स बताऊँगा कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में स्टेबल हूँ, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर मसला ये है कि जो हमारे डिजिटल स्किल्स है, इसमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिससे पाकिस्तान के, जब हम पाकिस्तान में होते तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक मैं अभी रिसेंट एग्जांपल बता दूं, मेरे मोबाइल में अभी भी चैट पड़ा है फाइवर पे। मैं एक नीदरलैंड वाले के साथ काम करना चाहता, उसने मुझे मैसेज कर दिया कि मैंने आपकी रिव्यूज़ देखे, लेकिन जब मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी के साथ काम करना नहीं चाहता। मैं इसलिए सर पाकिस्तान से निकलना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अभी मंथली 1500-2000 डॉलर कमा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर निकल के ये मैं 10,000-12,000 डॉलर तक ले जा सकता हूँ। दूसरी बात सर, अभी मेरे 1300 डॉलर फंस चुके हैं, किस इसी वजह से फंस चुके हैं कि वो कह रहा है कि मैं आपको पेमेंट पेपाल पे करूँगा, आपको पेमेंट पेपाल पे करूँगा, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पेपाल है ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा सर कि ये अच्छा है या बुरा है या नहीं, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यह हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। सर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिवर्सिटी में 6,000-7,000 डॉलर 3-4 मंथ्स में कमा सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं सर पाकिस्तान में, लेकिन रिसोर्सेज की वजह से हम पाकिस्तान में वो चीज़ें अवेल नहीं कर सकते। आपने बड़ी अच्छी कही, वो अवेल नहीं कर सकते सर। आप बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और इसी बात पे तो ये सर्वे हुआ था जी सर, और इसी बात पे जो बच्चों ने कहा हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, वो ये नहीं कि पाकिस्तान के मोहब्बल वतन नहीं, पाकिस्तान को चाहते नहीं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ हमें मौका नहीं मिलता, यहाँ मौका नहीं मिलता हमें तरक्की करने का, यहाँ मौका नहीं मिलता एक तरक्की का, ये मसला है सर। मैं वही बात कह रहे हैं, यहाँ मौका नहीं मिलता। मैं वहाँ से पाकिस्तान, मेरे डॉलर्स पाकिस्तान ही आएंगे, वापस फायदा पाकिस्तान को है, मैं वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर आकर अपनी रूरल एरियाज में इम्प्लीमेंट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर अभी तक मैं 35,000 राउंड अबाउट बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, ठीक है, और उसमें बहुत कमा रहे हैं, ठीक है। और सर ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो यहाँ से ये हमारे टीचर साहिबान यहाँ से वहाँ पर टीचिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सर पेपाल चाहिए, पेपाल चाहिए। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है, पर आपने जो कहा यहाँ पेपाल नहीं है, और आपने कहा यहाँ वो एक बंदे से बात की, वो कहता है मैं पाकिस्तानी से काम नहीं करना चाहता, इससे बड़ी नदामत की क्या चीज़ है कि हमसे कोई काम नहीं करना चाहता सर, क्योंकि हम इतने जाहिल लोग हैं, हम इतने गलत लोग हैं। देखें आईना भी तो देखें ना, हमें एक हम कौमी आईना नहीं देखना चाहते, हम सब सोचते हैं आईना देखना गलत बात है, आईना देखें, उस बंदे ने आपको आईना दिखाया है, आप आईना देखने से घबराते क्यों हैं सर? दूसरी बात, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब से, मेरा एक चैनल था वो मुझे मंथली 800-1000 तक कमा के दे रहा था, वो चैनल बैन हो गया। अभी पाकिस्तान में हम गूगल यहाँ पर कोई है ही नहीं कि हम जाके बात कर लें कि हमारा चैनल किसी वजह से हुआ है, हमें वैलिड रीज़न बताए, ऑनलाइन हम अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग वहाँ पर सपोर्ट से रिप्लाई नहीं आ रही। तो सर इसी वजह से पाकिस्तान छोड़ रहा है कि यहाँ पर जो कम पैसे हम कमा रहे हैं, बाहर जाके ज़्यादा पैसे कमाए और अपने पाकिस्तान में यहाँ पर इन्वेस्ट कमाए। येट एक और चीज़ है कि जो मुझे आपके आपके बड़ों ने बताया है कि बहुत सारे लोग मलकंड में रिमिटेंस में पल रहे हैं, इसका मतलब आपके बहुत सारे बुजुर्ग बाहर गए हैं और आपको पाल रहे हैं। ये भी याद रखें, आधे मेरा ख्याल आपके पेरेंट्स जो भी होंगे बाहर होंगे जो आपकी फीस दे रहे हैं, उनको भी याद रखें। हाँ जी बताइए। आई एम रेखना एंड माय आंसर इज यस, आई वांट टू स्टे हियर इन पाकिस्तान। देयर आर सम कल्चर बैरियर्स, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ स्टूडेंट एंड आई वांट टू हैव माय ओन वेंडर और एनीथिंग दैट इज हेल्पिंग मी एंड आई कैन गेट माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस by doing some other stuff apart from studying, so we cannot get that opportunity here in Pakistan because the culture barriers are too much. We are discouraged from peer groups and our own families and even the relatives. They always complain that you just have to focus on your studies, and if I'm capable and I can do studies and I can run my own startup in foreign countries.
all the students are running their own startups and they're getting their finances from there. So this is the only thing. मैं वाइस चांसलर साहब से ये पूछना चाहता हूँ और कुछ बुजुर्गों से यहाँ जो भी बड़े बैठे हुए हैं, क्यों हम अपने बच्चों को रोकते हैं, क्यों हम अपने बच्चों को उड़ान से रोकते हैं? एक बड़ी अच्छी किताब थी पुराने ज़माने में, किसी को हो तो ज़रूर पढ़े, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, जिसने कहा था कि बच्चे होते उड़ने के लिए। तो बताइए जी, क्यों हम बच्चों को रोकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बच्चे आते हैं हमारे पास तो हम उनको यही ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, उसके लिए यूनिवर्सिटी एक स्पेशल प्रोग्राम चला रही होती है। और रिसेंटली हमारी जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन क्लासेस की भी एक्सचेंज हो रही है, कैनेडियन की भी कई यूनिवर्सिटीज़ के जैसे अल्बर्टा, ऑन्टोरियो, उनके साथ हमारी रेगुलर सेशन हो रही है। बाकी बात जो जैसे आपने की, जब हमारे ज़माने में हम भी अप्लाई किया करते थे तो दिस वाज नॉट अ क्लिक अवे कि हमने अप्लाई कर दी और हमें स्कॉलरशिप मिल गया। इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी हम, वी आर एट पार विद यू ऑल। मेरा जो आपसे एक मशवरा आप समझ लें, एक पैदराना कि बेटा, जब तक आप एक मुस्तकिल जद्दोजहद नहीं करेंगे दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह शुरू में मैडम दुर्रे नायाब ने कहा था कि ख्वाब देखे बहुत बड़े देखे, लेकिन उसके लिए मेहनत भी उतनी करें। तो अगर मेहनत के बगैर ये सारी मनाजिल तय होने थे तो सर ढेर सारे आपके क्लास फेलो होते थे। आप शिकागो से पीएचडी है वो नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें नसीबों की भी होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको अल्लाह जो है बेहतर सिला दे देता है, क्योंकि वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो ऐसी बात नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। हम अपने बच्चों को हमेशा से इसी पे कोशिश करते हैं कि वो अपने पाँव पे ही खड़े हो जाए। नॉर्मली इसके लिए हम सेशन भी चलाते हैं रेगुलरली कि किस तरह आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा जी। चलें जी, नेक्स्ट पर यह सवाल रह जाएगा, कुछ बड़े लोग आके बताएं या भाई बता दें आप लोग बहनों को क्यों रोकते हैं, और आप अपने आप भी बता दें आपकी फैमिलीज आपको क्यों रोकती हैं। तीन बच्चों ने कहा फैमिलीज रोकती हैं, क्यों रोकती है बताइए जी। आइए, कौन आ रहा है आगे, बोलिए बोलिए, क्यों आपकी फैमिली आपको रोकती है बताइए। बेटा, डॉक्टर साहब का ख्याल है कि आपके पेरेंट्स आपको, अगर आप स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाहते हैं तो आपको रोकते हैं? नहीं सर, वो क्यों नहीं, क्यों रोकेंगे, वो उनका ख्वाब भी है कि हम बाहर जाएं। दो बातें थी कि आप जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आपकी बात यह है कि अगर आपको स्कॉलरशिप पे मौका मिल जाता है आप चले जाएंगे। फाइन, यस सर, यस सर। दूसरी बात यह है कि आपने मुस्तकबिल के लिए माजी की कहानी नहीं बयान करनी। यस सर। आराम से एक दो बातों में बता दे कि आपने क्या ख्वाब देखा है और उसके लिए आपके पास एक्शन प्लान क्या है कि आप कितना मेहनत करेंगे या क्या करेंगे कि आप उसको हासिल कर लेंगे। जी, एक बात तो आपकी हो गई, दूसरी बात बता दे कि आपने ख्वाब क्या देखा है और कैसे हासिल करेंगे। यस सर, ये तो ऑब्वियस है सर कि वो तकरीबन 68% ने यही कहा था कि हम पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो तो सर्वे से पता चल रहा है। ये तो जो 2022-2023 का साल था तो तकरीबन 8 लाख लोग जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि ये सारे लोगों का यही ओपिनियन है कि हम ये जाए यहाँ से, तो ये क्यों जा रहे हैं। मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ, ये सर जो अभी ने बात की कि हम यहाँ पे ऑनलाइन सेशन करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, उसमें बहुत अच्छा खासा वो अपना वो इनकम जनरेट कर देते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ है हम वो अच्छी वो अच्छा वहाँ से गुजर रहा है। लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आते हैं कहते हैं कि आप पाकिस्तान से हो, तो वो क्लाइंट वो काम ही नहीं देता। फिर क्यों नहीं देता, ये इकोनॉमिकल जो ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपकी फ्यूचर प्लान क्या है? उस फ्यूचर प्लान हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो आप है, आपके जितने भी साथी बैठे हैं उनको एक फ्यूचर की झलक दिखा दे और उनको ये समझा दिया जाए कि हमने कितनी मेहनत करनी है। यस सर, तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये जो सारे ब्लेम कर रहे कि पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जो है ना वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सारी चीज़ें तो होती रही कि हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए।
हम जो सब कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से जाना है, तो हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? यहाँ पे जो सारे लोग बैठे हैं, मैं यूं इस यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, पूरी पूरे ये इलाके की बात करूँगा, हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? तो अगर हम पाकिस्तान को कुछ नहीं दे सकते, तो हम ये कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि हमने पाकिस्तान से जाना है और पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है? तो मैं यही कहूँगा कि हमने खुद कुछ करना है, पाकिस्तान को देना है, पाकिस्तान को प्रोडक्टिव बनाना है, तो फिर ये सवाल नहीं उठेगा कि आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ के जाना है। थैंक यू। आई अप्रिशिएट यूर थिंकिंग। मेरा नाम हुसैन अली है, मैं उर्दू डिपार्टमेंट 6th semester का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल एजेंडे से थोड़ा हटकर है। मैं उर्दू का स्टूडेंट हूँ और जब मैं किसी से ये बात शेयर करता हूँ कि मैं उर्दू का स्टूडेंट हूँ, तो अमूमन ये राय आती है कि आप उर्दू क्यों कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है? तो मेरा यही सवाल है कि उर्दू इकानमी में क्या किरदार अदा कर सकती है? दूसरी बात, कल सर उस्मान ने भी कहा कि हम एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट उर्दू में नहीं है, हमें नहीं पढ़ाया गया है। तो यही सवाल है कि उर्दू इकानमी में क्या किरदार अदा कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हर एक सब्जेक्ट का ये मकसद तोड़ा होता है कि वह जिहाज बना के बैठेगा। अदब जो है, अदब लतीब के हवाले से अगर मैं बात कर दूँ, तो अगर आप इंसान की बात कर लें, तो सिर्फ ये मशीन नहीं है, ये एयर कंडीशन नहीं है कि किसी कमरे में पड़ा रहेगा। यही अदब है। जब हम दो दिन से यही बात करवा रहे हैं कि सॉफ्ट स्किल डिवेलप होने चाहिए, हमें ये समझ आनी चाहिए कि हम लोगों को मुखातिब कैसे कर सके। हम लखनऊ की बात क्यों कर रहे हैं और हम दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं? यही अदब है जो आपको ज़िंदगी गुजारने का सलीका बता देता है। तो इस सोसाइटी जो है, ये एक फूलों का गुलदस्ता है। कुछ लोग जो है वो मशीन बनाएंगे, कुछ लोग खाना पकाएंगे, कुछ लोग गाड़ी चलाएंगे। अगर सारे लोग मशीन बनाना शुरू कर देंगे, डू यू थिंक कि सोसाइटी चल पड़ेगी? तो बेटा, जिस तरह आपने उस्मान साहब की बात की कि फिलासफी, जब तक हम फिलासफी की तरफ वापस नहीं आएंगे, देखे आप उर्दू में हायर डिग्री ले लेते हैं, लेकिन आप उसको डॉक्टर ऑफ उर्दू नहीं कहते, डॉक्टर ऑफ फिलासफी कहते हैं। दिस इज़ बेसिकली दैट लव फॉर विजडम, वो सोचने और समझने की सलाहियत, वो दूसरे का दुख दर्द बांटना, ये सारी चीज़ें जो है, ये भी किसी मुआशरे को ज़िंदा रखने के लिए लाजमी है। अगर आप लोग समझते हैं कि इसको जामिद रखा जाए, मशीन बना दिया जाए, तो आई एम सॉरी, वो रोबोट्स आ गए हैं, देन वी आर नो मोर नीडेड। मेरे ख्याल में आपको आपका इस सवाल का जवाब मिल गया। सर, कल मैं एक राइटर से मिला, फजल हकीम अंदलीब उनका नाम था, उन्होंने एक किताब लिखा कुरान और माहौलियात, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास अब पैसे नहीं है कि मैं उसको प्रिंट कर सकूँ या पब्लिश कर सकूँ। तो ये मसाइल भी आते हैं, हम इनके मसाइल को तो देख लेते हैं, माशरे के मसाइल को, हम उनके इमोशंस को बयान भी कर लेते हैं, लेकिन उसका हमें वो फीडबैक वापस नहीं मिलता जो होना चाहिए, या माशरे में जो हमारी इज्जत होनी चाहिए वो नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह भी मुझे यही लगती है कि हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होते, उदबा जो होते हैं। बेटा, मैं बात को यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा। बेहतर यही है कि मैंने आपको कहा कि हमारे सॉफ्ट स्किल की इशूज़ है, यही हमें अदब सिखाती है कि हम कुछ लोग मिल के, उस जो हमारा शायर भाई है, या आप इसको एडुकेट बन के कम्युनिटी से उसकी प्रिंटिंग की, बड़ी आसानी से यही सारी काम करवा सकते थे। बजाय इसके हमारा जो अलमिया बनता जा रहा है कौमी तौर पर, वो हम शिकों पे जा रहे हैं, अमल पे नहीं जा रहे। तो इसके लिए किसी का शेर याद आ रहा है लेकिन पहला मिसरा नहीं याद आ रहा। बेहतर यही है कि हम अमली मैदान की बात करें। जो आपको दुर्रे नायाब ने फिर से समझा देता हूँ, कहा था कि क्वेश्चन ये है, बल्कि मैं कहता हूँ पहला क्वेश्चन स्किप कर दे, दूसरे इस क्वेश्चन पे आ जाए, आप फ्यूचर में क्या अपने आप को कहाँ देखते हैं और आप उसके लिए क्या लाए अमल तय करना चाहते हैं, आप कैसे चले, वो टारगेट को किस तरह अचीव करेंगे। अगर मुझसे यही पूछा जाता तो मेरे लिए एक ही बात थी कि मेहनत और मेहनत। आपके जहां आप पढ़े हैं, किताब भी नहीं और किताब भी नहीं, हमारे दरमियान डॉक्टर उस्मान बैठे हैं, जहां भी आप उसको कड़ा कर दे बोल लेते हैं,
उसकी सिंपल सी रीज़न है कि जब भी जहाँ भी उस्मान साहब होंगे हाथ में किताब होगी, जितने भी टीचर आपकी किताब से उनकी पढ़ते हैं, अपने सारे टीचर्स को देख लें, तो बेटा जब तक हम मेहनत की तरफ नहीं जाएंगे तो आगे कहानी नहीं जाएगी। आई एम सॉरी, थैंक यू। देखिए जी, इसमें मैं थोड़ी सी बात ऐड कर दूं, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। मैं ये कह दूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सोसाइटी नहीं राइटर्स को रिस्पेक्ट करती, ये वो सोसाइटी जिसने अब्दुल सलाम को बाहर निकाला, एक नोबेल प्राइज़ विनर को, ये वो सोसाइटी जिसने फैज़ अहमद फैज़ को जेल में डाला, ये वो सोसाइटी है जिसने आपके सबसे अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बाहर निकाला। ब्रेन ड्रेन पे हमने बहुत काम किया हुआ है, ये सोसाइटी ब्रेन ड्रेन करवाती है और ये अच्छे लोगों को बाहर भेजती है। जो हमने सवाल पूछे इसलिए नहीं पूछा कि अपने मुहिब्बुल वतनी का इजहार करें, मुहिब्बुल वतन सब में, ये नहीं कि कोई मुहिब्बुल वतन नहीं है। जो अब्दुल सलाम था उससे बड़ा मुहिब्बुल वतन क्या आपको दे गया है? न्यूक्लियर बॉम्ब, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, पर हमने उसकी क्या इज्जत की? हमने उसको जूते मार के बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर और बात करें, तारिक अली बड़ा अच्छा हमारा स्कॉलर है, उसने चर्चिल पर किताब लिखी, उसको हमने आज तक रिकग्नाइज नहीं किया। तो ये आप अकेले नहीं है, यही सवाल है कि हमारे जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनको हमने बाहर निकाल दिया। अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे अतीक रज़ा का एक इंटरव्यू है। अतीक रज़ा मेरा क्लास फेलो था, आज सिलिकॉन वैली में बहुत बड़ा नाम है, वो पाकिस्तान छोड़ बैठा है, वो पाकिस्तान आया था $300 मिलियन लेके इन्वेस्ट करने, हमने उसको मजाक करके बाहर निकाल दिया, उसने थाईलैंड में जाके इन्वेस्ट कर दिया, आज जो AMD के चिप्स हैं सारे उस वो बनाता है। ठीक है, तो हम सब अच्छे बंदों को बाहर निकाल देते, कोई बात नहीं, अब उर्दू पढ़े बाहर जाके कुछ बन जाएंगे, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू पे चले जाएं। ठीक है जी, मैं सर की बात से थोड़ी सी साथ साथ एक एडिशन भी कर लूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, जिनका लहो कलम मुकद्दर हो उनकी किस्मत में कुछ नहीं होता। अगर आप सुकरात से अहले इलम की बात शुरू कर ले, गिलेलो पे आ जाए, तो लेकिन अहले इलम वही है कि वो ये सारी सख्तियाँ बर्दाश्त करके, सुकरात ने जहर का प्याला पिया लेकिन वो हक से दस्तबरदार नहीं हुआ। हेलो पैनल, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद जमान, आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकर्ण। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड शो करूँ आपके सामने, तो आई एम फ्रॉम साउथ वजीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, वेरी वोलाटाइल रीजन, वॉर रेवेज्ड जोन, जहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। तो मैं अपने एम्बिशंस को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड का हवाला देकर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे एम्बिशन में जो मेरा सबसे बड़ा एम्बिशन है, वैसे अगर हम आम लहजे में बात करें तो हर किसी का कोई ना कोई एम्बिशन होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, लेकिन कोई इस बारे में नहीं सोचता कि अच्छा इंसान कौन बनेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये मेरी जनरल डिस्कशन हो गई। अब आते हैं स्पेसिफिक की तरफ कि मेरा जो एम्बिशन है वो क्या है। मेरा जो एम्बिशन है वो है लीडरशिप। अब लीडरशिप क्यों है? क्योंकि मैंने चैलेंजेस को देखा है नज़दीक से, जिस तरह मेरा जो एरिया है जो वार से अफेक्टेड हुआ है, लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया है, तो इस हवाले से मैं बात करूंगा लीडरशिप के हवाले से। बेटा, वी अप्रिशिएट योर थिंकिंग, लेकिन आप टारगेट को अचीव किस तरह करेंगे? अब मेरा जो मेन एम्बिशन है वो ये है कि लीडरशिप किस तरह आएगी और इसके लिए हम क्या कोशिश कर सकते हैं। अगर पहले सवाल की तरफ हम आ जाएं कि आप मुल्क छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट लीडरशिप के हवाले से, तो मैं ज़रूर छोड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे फ्यूचर का मसला है, मेरे वतन का मसला है, जो कि मुख्तलिफ चैलेंजेस जिसको दरपेश है ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूँ। तो लीडरशिप, बिकॉज लीडर ऑलवेज स्टैंड फॉर द लॉस्ट, लीडर ऑलवेज एक्ट, लीडर ऑलवेज रिफ्लेक्ट, लीडर ऑलवेज स्पीक ब्रेवली। थैंक यू वेरी मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आदिल खान महसूद एंड आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। इस तरह मतलब डॉक्टर ने मुझे दो बातों से मना किया है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक तो अपनी सेहत के हवाले से और दूसरे ये कि साफ मत बोलो।
लेकिन वो तो चूँकि फाटा से हैं, वो तो बोलना भी पड़ता है। लेकिन अगर हम पहले क्वेश्चन पे बात करें कि पाकिस्तान तो मैं नहीं छोड़ना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट पे कुछ यू पॉलिसियाँ बनाई गई हैं जो हमें वनडी गेट से धकेलते ही जा रहे हैं। कभी हम उधर पंजाब के बॉर्डर पे रखा जाता है, कभी हम पीर फाटा आ जाते हैं, कभी हम उधर दर बदर हो गए हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्स से माला माल इलाका है, लेकिन वहाँ पे आ जाते हैं अमन के नाम पे बदमनी पहलाने के लिए, वहाँ पे काबिज हो जाते हैं, वही के लोग बाहर निकलने पर मजबूर होते हैं। हमें कहा भी गया है कि आप शेर कश्मीर हैं, शेर कश्मीर भी हम रह चुके हैं, उसके बावजूद भी हमें धकेला जा रहा है और एक्सपेरिमेंट हम पर किए जा रहे हैं। और दूसरी बात आती है एम्बिशन। एम्बिशन इस तरह है, मेरे भाई ने भी अभी बात की है, मेरा कोर्स स्टार्ट है लीडरशिप का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ है। वहाँ के जो प्रोफेसर है रोनाल्ड हैम्फेज, वो भी हमें यही बातें सिखाते हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने भी एक उसको रिप्लाई छोड़ दी थी कि यहाँ पे हमारे ऐसे पॉलिसियाँ हैं, यहाँ पे ये चीज़ नाकाबिले कबूल है। तो मैं भी मतलब ये लीडरशिप के एम्बिशन में भी रखता हूँ ताकि हमारे कबाइली बेल्ट पे जो मुंह पर हाथ रखवाया गया है, इस हाथ को हटाने के लिए मैं यहीं पे रहूँगा, यहीं पे अपना वतन या फिर मौत। सलाम अलैकुम, इनाम खान, स्टूडेंट्स ऑफ एट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। पाकिस्तान छोड़ने के मुतालिक जो सवाल है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो पाकिस्तान छोड़ना चाहता हूँ आफ्टर बीएस कम्प्लीशन के बाद, और पासपोर्ट के लिए दाखिला भी किया है। पाकिस्तान छोड़ने की कुछ वजूहात है, एक तो यह मेरिट नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जस्टिस नहीं है, और जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है इस मुल्क में। और दूसरा जो सवाल है कि फ्यूचर में क्या ड्रीम है, तो मेरा तो जो ड्रीम है वो है अपने फील्ड में रिसर्च करना मुस्तकबिल में, और अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स में अपनी तालीम को फर्दर कंटिन्यू करना। और फॉर इकोनोमेट्रिक्स के लिए जो इंस्पायरेशन है मेरे लिए वो डॉक्टर इकरामुल्लाह सर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ रीना शाह, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। इस क्वेश्चन के मुताबिक मैं ये कहना चाहूँगी कि हर कोई कहता है कि हम पाकिस्तान छोड़ेंगे ये नहीं, हर सेशन में, और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो फिर हम क्यों भागे इससे। हमने यहाँ तक बहुत सी थ्योरी पढ़े हैं, और अब हमारा प्रैक्टिकल करने का जो है वो टाइम है। मैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट में हूँ, 6th semester अब मेरा चल रहा है। अभी तक हमने जो है वॉलंटियरिज्म प्रोग्राम जो है, मैं इसका मेंबर हूँ, और अब तक हमने बहुत से इवेंट में पार्टिसिपेशन किया है, जिसकी वजह से हमें सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। और उसके अलावा हमने क्लाइमेट चेंज पे हम फर्दर जो है वो काम करेंगे, अवेयरनेस सेशन जो है वो अरेंज करेंगे। और अभी हमारा जो है कुछ प्रैक्टिकल करने का टाइम है, तो हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। हम जो है अब जो थ्योरी पढ़ी है हमने अभी तक, इसको हम प्रैक्टिकल में तब्दील करेंगे, और हम प्रैक्टिकल कुछ जो है वो पाकिस्तान के लिए करेंगे। थैंक यू। थैंक यू बेटा। ये बात जो मेरी बेटी ने की कि हमने अभी तक कुछ थ्योरीज पढ़े हैं, उसको मैदान में हमने ही आजमा देना है, और हमने इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद कासिम खान है, और मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, और मैं बिलोंग करता हूँ दीरा पर से। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सेशन स्टाफ का कि मुझे ये मौका मिला। तो मैम का क्वेश्चन ये था कि क्या आपको मौका मिल जाए तो आप पाकिस्तान छोड़ना चाहेंगे या नहीं। तो मेरा आंसर ये है कि हाँ, मैं पाकिस्तान छोड़ना चाहूँगा। वजह ये है कि मैं क्यों पाकिस्तान छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं छोटा सा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप घर में रहोगे अपने घर में और बाहर नहीं निकलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप पाकिस्तान में अंदर रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो इसलिए मैं बाहर जाऊँगा। जैसा कि इंडिया में वो पाकिस्तान इंडिया में जो है मुस्लिम जो अंग्रेज़ थे उनके कल्चर उसको फॉलो नहीं करते थे,
और जो है उसके जो स्कूल जो स्कूली निज़ाम था उसको फॉलो नहीं करते थे और हिंदू ने उसको फॉलो किया। आज इंडिया को देखो और पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान पीछे रह गया है, इंडिया आगे जा रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने अंग्रेज़ों को फॉलो किया, उसके तौर तरीक़ों को सीखा, समझा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम बाहर जाएंगे, उसे सीखेंगे, इसलिए वापस आएंगे अपने मुल्क में, तभी हम अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम अपने मुल्क से निकलेंगे, अगर नहीं निकलेंगे तो कोई भी तरक्की नहीं करेगा हमारा मुल्क, कुछ भी तरक्की नहीं मिलेगी हमारे मुल्क को। और दूसरी बात, एक सिस्टर ने ये की थी कि स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप की बात मैं ये करना चाहूँगा कि आपने ट्राई करना है बार बार। अभी रिसेंटली मैं सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हुआ, मैंने अभी भी अप्लाई की थी बाहर जाने की, मैं रिजेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ एडमिशन किया है, मैं दोबारा भी ट्राई करूँगा, बार बार ट्राई करूँगा, एक दिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर अपने जो है वो गोल्स को अचीव कर लूँगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि मेरी बेटी है और जो है वो बाहर से पढ़ कर आई है, तो सिस्टर ने ये कहा था कि हमें मतलब इजाज़त, तो हमारे माशरे में ऐसा होता है कि मतलब हम हमारी बहन या जो है बीवी घर से बाहर निकले तो हम बहुत गलत समझते हैं। तो इस तरह हमारे मुल्क से जो है हमारे सिस्टर बाहर जाएंगी तो तब भी ये लोग जो है बहुत गलत समझते हैं। तो प्लीज़ आप इसके बारे में बताएं कि मतलब लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि इसके बारे में हवाले से, कि वो अपनी बहन बेटियों के बारे में जो है फ्यूचर के बारे में सोचे। मैंने तो बता दिया मेरी चॉइस क्या है, मैंने तो अपनी बेटी को बाहर भेजा जी, जी। और मेरी दो नवासी हैं ग्रैंड डॉटर्स, उनको भी बाहर भेजूंगा, ज़रूर भेजूंगा पढ़ने के लिए और ज़रूर जाएंगी पढ़ेंगी, वो डॉक्टर बने व्हाटएवर जो उनकी मर्ज़ी बने, अगर वो आइस स्केटिंग करना चाहती आइस स्केटिंग करें, स्कीइंग करना चाहिए जो मर्ज़ी करें, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो ओलंपिक्स जीतें, दुनिया में कम्पीट करें, मुझे घर बिठाने का कोई शौक नहीं। लेकिन हमारा बेटा लंदन में बैठा हुआ है, वो राइटर है, बड़ा अच्छा लिखता है, आप उसको जाके पढ़ें, उसको 2 लाख लोग रोज़ पढ़ते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ सुलेमान अहमद फ्राम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं अगर पाकिस्तान छोड़ना चाहूँगा तो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके अपनी स्किल डेवलप करके पाकिस्तान में ही वापस आऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान में ही मैंने सर्व करना है, क्योंकि मुल्क हमारा है और 65-64% हमारी नौजवानों की आबादी है। या भी हमारे जितने भी टीचर्स और डिग्नेटरीज बेटे ये सारे बुज़ुर्ग हो चुके, कल इन्होंने रिटायर होना है और मैंने और आपने इन्हीं की चेयर्स पे बैठना है, तो डेट्स वाई मेरा तो फ्यूचर ब्राइट मुझे यहाँ पे ही नज़र आ रहा है, और सो थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तसीरुल्लाह है और इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ लास्ट सेमेस्टर का। आई वुड लाइक टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन के क्या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, तो अगर मुझे आज मौका मिले तो मैं कल के लिए नहीं ठहरूँगा, आज ही जाऊँगा। और क्यों जाऊंगा, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई द फर्स्ट क्वेश्चन के क्यों जाना चाहता हूँ, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ और उसे यहाँ लाकर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, दिस इज़ माई ड्रीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अदनान फिरोज खान फ्रॉम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन ये हो रहा है कि आप पाकिस्तान को छोड़ेंगे या नहीं, तो बिल्कुल मैं पाकिस्तान को छोड़ूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है वो एजुकेशन और हेल्थ नहीं है। अभी अगर आप फेडरल बजट में देखें तो सेहत के लिए और जो एजुकेशन है उसके लिए 54 अरब रुपए रखे हुए हैं, तो गवर्नमेंट की यही प्रायोरिटी नहीं है कि हम अपने स्टूडेंट को फैसिलिटेट करें। गवर्नमेंट अगर अपना बजट ज़्यादा करे और स्टूडेंट को फैसिलिटी दे तो हम यहाँ पर रुकेंगे, अगर वो हमें यहाँ पर फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करें यहाँ पर। हम इसलिए बाहर जाएंगे कि वहाँ पर रिसर्च करें और अपने फील्ड में आगे जाए, तो इसलिए हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। थैंक यू। और दूसरी बात यही है कि हम इस चीज़ के लिए बहुत खुश हो रहे हैं, कल भी यहाँ पर बात हुई कि हम मिडल ईस्ट के मार्केट को कैप्चर करेंगे, तो अगर आप मिडल ईस्ट के मार्केट को कैप्चर करना चाहते और अपने जो स्किलफुल वर्कर्स है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, आप वहाँ पर भेजना चाहते, तो क्यों ना पाकिस्तान की हुकूमत इस तरह की कोई पॉलिसी बना दे कि यहाँ पर उनके लिए कुछ सिस्टम बना दे, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स है। अगर वो और मुल्कों को तरक्की देंगे तो क्यों ना आप उनके लिए यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो यहाँ सर्व करें। तो प्लीज़ सर आप इस बारे में थोड़ा बताएं कि
इसके हवाले से गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? दिस इज नसीर अहमद फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आस्क्ड बाय मैम, वुड यू लाइक टू क्विट योर कंट्री इफ यू हैड द चॉइस? सो आई वुड लाइक टू से यस, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकली, एंड देन वी हैव एजुकेशन प्रॉब्लम्स. पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आर दे आर feudals, they are landlords, they don't care about our next generation. They are making policies, they only benefits them, not us. And our education system, we are just producing degree holders, not educators. Our universities, they are not producing the students with skills, with potentials. They are just, if you take the example of our university, we are just you know, stuck to books. We are not you know, supposed to take parts in different activities. You know, this is my first conference that I had attempt, and I had there been in these 4 years. I am the last semester student. So imagine, in these 4 years, we are not given the opportunities to explore ourselves. We have the opportunities. I can see the spur, I can see the potential in our students. But unfortunately, the university had not provided that environment for us to boost, to enhance our potentials. So that's why I would like to quit the country. Next question I would like to answer. First number, my dream is to become a CSS officer. Then I belong to a backward area where female education is equal to, I would say, zero. So I will work on that to promote and to, you know, aware the people about female education. Number second, I'm working with different organization like Million Smile organization, who provides free education to everyone. Then I'm working with Blood Chain Pakistan. So my dream is free thalassemia Pakistan. In Pakistan, every year, thousands of children and people die because of thalassemia. I will work on that to free Pakistan from thalassemia. Thank you. Thank you, thank you. Next, please. Bismillah Rahman Rahim. My name is Arshad Khan, and I'm from Department of English. Now, ma'am has asked a first question that, do you wanna go abroad when you find chance? So I will say that I would like to go, but just for the sake of learning, and I will return to serve my country. Because many people have talked about that we are leaving the country and they are blaming. But what they have did for their country, even they are not fulfilling their responsibility to do study accordingly. So they are blaming countries. Why I want to serve my country? Because if anyone wants to leave Pakistan, Pakistan will become an extinct species. And I don't want Pakistan to be an extinct species. Secondly, we have a problem. We have a problem. We don't have opportunities. We have problem like political instability, rule of law. And ma'am has also asked about the dream. Now, my dream is that I have to I want to become a civil servant and to serve my country. Because to put in a global context, we can't live in just alone. And there is English saying that no man is island, and one man is no man. It is our country, and it is our collective responsibility to make them on the progress and to make it aligned with the nation, what we call the developing nation. I would like to go by scholarship, but I will return and serve my country. Thank you. Thank you. Before the next speaker speaks, we have had a good response from the male students. Female students, mein se agar aur koi aana chahte hain, to abhi aa jaye, because humne isko phir wrap up bhi karna hai. तो फीमेल स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ चार आई हैं. आई वुड सजेस्ट कि अगर दो तीन अगर और भी आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहें प्लीज़, तो अभी आ जाए स्टेज पे, उसके बाद फिर हम किसी को परमिट नहीं करेंगे, जो आ चुके हैं सिर्फ वही बोलेंगे. प्लीज़ कंटिन्यू. अस्सलाम वालेकुम.
मेरा नाम मोहम्मद गुल है, मैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बाजोल से मेरा ताल्लुक है। मेरी एक भाई ने पूछा कि लिंग्विस्टिक स्टूडेंट्स जो खासकर रीजनल लिंग्विस्टिक में मास्टर्स हो और पारे तहसील हो वो इकोनॉमिक में क्या कर सकते हैं। तो आप सबको पता है ये दो दिन हो गई कि हम अपने हालात ज़ार बयान कर रही है और हमारी कोई अपनी ऐसी इनोवेशन नहीं है और न कोई ऐसे लिटरेचर हमने डेवलप किया हुआ है कि हम वो दूसरों को शो कर लिए कि ये हमारा काम है। तो हम एक लिटरेचर का बंदा, एक लिंग्विस्टिक का बंदा क्या कर सकता है? जिस तरह सर सईद अहमद ख़ान के ज़माने में जो कॉम्प्रेंसी हुआ करती थी और जो डेवलप कंट्रीज़ ने जो मॉडल्स डेवलप की थी, जो लिटरेचर डेवलप की थी और उसका ट्रांसलेशन होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है वो रीजनल लैंग्वेज को समझते हैं, नेशनल लैंग्वेज को समझते हैं। तो जो लिंग्विस्टिक की फारिग तहसील है उनको चाहिए कि वो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे मॉडल्स है जो जर्मन लैंग्वेज में है, जो रशियन में है, जो इंग्लिश में है और US इंग्लिश में है, उसको ट्रांसलेट करी और वो लोगों को पेश करी कि ये मॉडल्स है और इसको हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। मैं ख़ुद अपने जो WHO है और जर्मन इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, मैं उनके साथ काम करता हूँ। इवन दो कि मैं लिंग्विस्टिक का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं उनकी अंग्रेज़ी पुश्तों में ट्रांसलेट करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो पोलियो के प्रोग्राम के हवाले से कहती है कि अपने बच्चों को दो कतरी पोलियो की फैलाई और माजूरी को ख़त्म करी। तो इमेजिन कि यहाँ पे पुश्तों का कोई भी बंदा लिटरेचर के हवाले से उनको नहीं मिल रहा है तो मैं उनके लिए ट्रांसलेट करता हूँ। चखपल माशुमानुल्ला दो पोलियो दो वैक्सीन दुआ साज की वर्कई और तलपाती नारोगई चखे वज गौरा वही दाश किस्मा। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत सारे, कल भी मैं देख रहा था कि एक इंटरनेशनल फर्म जो है वो ट्रांसलेटर को मांग रही थी। जहाँ तक इस मुल्क को छोड़ने का सवाल है, मैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मैं देखता हूँ जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में होता है तो वो स्मार्ट होता है, उसके बाल और दाढ़ी चाढ़ी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन जब वो फारिग तहसील होकर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है तो उसका रंग जर्द हो जाता है और वो एन्जाइटी का शिकार होता है और उसकी अम्मा बाबा उसको शाम के बाद कहते हैं कि 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ ली ताकि आपसे आयरन का जो केज है वो बन जाए। तो उस बंदे ने तो यूनिवर्सिटी में आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ा है, वो तो ऐसे सोता है। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट में जब वो आयतुल कुर्सी की एवज सोता है तो मेरे ख्याल में कि वो एक विजनरी है और बहुत ऑप्टिमिस्टिक बंदा है, पेसिमिस्टिक जाएगा। मेहरबानी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा गफार है और मैं पोलिटिकल साइंस और 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और सवाल तो यही है कि हम पाकिस्तान छोड़ना चाहेंगे या कोई जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। मैं कल से इस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ हूं, बहुत सारे स्पीकर्स आए हैं, तो पहला मेरा इनसे सवाल है क्योंकि सबसे जो अच्छा सेशन था सर का रहा था और मैम का रहा था, तो इनके लिए मैं एक सवाल छोड़ूंगा और दूसरा मैं एक सजेशन दूंगा आप लोगों को और इसके बाद मैं कहूँगा कि आप पाकिस्तान छोड़ना चाहेंगे कि नहीं छोड़ना चाहेंगे। पहली बात यह है कि कल से यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी आए हैं, पार्लियामेंटेरियंस भी आए हैं, एकेडीमिया वाले भी आए हैं और लायर वगैरह भी आए हैं और बहुत सारे जो है ना जुडिशरी वाले भी आए हैं। तो मैं रहमतुल्ला सर या इसके अलावा एक शख्स की बात कोट करता हूँ, वो कह रहा था कल अताउल्ला सर के जुडिशरी ने इस मुल्क को सबसे बड़ा नुकसान दिया है। पहली बात, एकेडीमिया वाले कल से यही कह रहे हैं कि एकेडीमिया में मसला है। दूसरा और तीसरी बात यही है कि इंडस्ट्री वाले आ रहे थे, कह रहे थे कि एकेडीमिया वाले हमें रास्ता नहीं दे रहे। तीसरी बात, तो मैं सबसे सवाल ही है सर से भी है और ये जो है ना फ्रंट लाइन पे है, तो आपने क्या किया है इस चीज़ के लिए कि 1947 से लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ? अगर आप कहते हैं कि हमने कुछ किया है तो अभी तक हमने एक सुई भी नहीं बनाई है। पार्लियामेंटेरिया कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एकेडीमिया वाला कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप तो दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया पानी है। कल यहीं पे कुछ हमारे दोस्त होंगे आपकी तरह होंगे, यहीं पे आके बैठ जाएंगे और कह रहेंगे कि ये मसला है और ये मसला है, तो प्लीज़ वे फॉरवर्ड बताइए कि हल किया है इसका। और दूसरे में एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, कोई उर्दू का स्टूडेंट होता है और यहाँ पे बाहर जो कि लिटरेट भी नहीं होता वो बंदा भी, सदगुरु एक शख्स है इंडिया का, वो कहता है कि चाय वाले के पास बैठ जाओ, सारा दिन वो चाय वाले की बात पॉलिटिकल साइंस की बातें करता है, पॉलिटिक्स की बातें करता है कि इकोनॉमिस्ट को ये करना चाहिए, लेकिन उसको चाय बनाने का तरीका नहीं आता। तो मैं कहूँगा कि जो भी है जिस भी फील्ड के अंदर है, आप अपने फंक्शन स्पेशलाइजेशन पर फोकस करें, वहाँ से कोई प्रोडक्टिव इनोवेटिव चीज़ लेकर बाहर आ जाए तो इंशाल्लाह हमें इस मुल्क को छोड़ने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप जनाब वाइस चांसलर साहब और पायड आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस मुनाकिद कराया, और साथ ही एक पुरजोर मुतालबा मैं करता हूँ कि इस तरह कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह इवेंट्स तसलसल के साथ होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को कुछ लर्निंग का मौका मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस अजीम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जनाब वाइस चांसलर आपको मेरा सलाम। और इसके बाद जो सवाल है कि अगर मुझे मौका मिला कि पाकिस्तान छोड़ना है, इफ समवन विल आस्क मी वेदर दैट शुड आई लीव माई कंट्री, सो द आंसर विल बी एब्सोल्युटली नॉट, आई विल नेवर लीव माई कंट्री। क्योंकि इस मुल्क को छोड़ना मैं कायद की जद्दोजहद, इकबाल के ख्वाब, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की खून से गद्दारी समझता हूँ, जिन्होंने अपने खून से इस धरती की हिफाजत की है। मैं कौन सा वो हूँ कि इस मुल्क को छोड़ के चला जाऊँगा। कायद जो इतना अजीम लीडर है, इसने मेरे लिए, हमारे माओ बहनों ने हमारे लिए अपने इस्मतों की कुर्बानियाँ दी, हमें तोहफे में ये मुल्क दिया, और मैं छोड़ के चला जाऊँगा, इतना बेगैरत हम नहीं हो सकते। हमारे ये स्टूडेंट्स बड़े मायूसी की बातें कर रहे हैं कि पोटेंशियल है, मैं एग्री करता हूँ पोटेंशियल है, और पोटेंशियल से ज़्यादा मौके है यहाँ। इसी तरह अब्दुस्सलाम की बात हुई, अब्दुस्सलाम कहते हैं कि मैं उस इलाके से था जहाँ बिजली नहीं थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, दुनिया को दिखाया। मैं पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी पूछा गया है कि एम क्या है, एम ये है कि मेरी ख्वाहिश पाकिस्तान को इतना मजबूत करना है, इतना ताकतवर करना है कि कल अमेरिका में, नेवाडा में, वाशिंगटन में, लंदन में ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हो और वो स्टूडेंट से पूछ रहे हो कि अगर आपको पाकिस्तान जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आखिरी बात करके जा रहा हूँ कि इस धरती की हिफाजत, इसकी अजमत के लिए हमें जान देनी पड़ी तो हम दरेग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल स्तोरे है और मेरा ताल्लुक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। रही बात मुल्क छोड़ने की, तो मेरा तो कोई इरादा नहीं है। अगर हम सारी चली जाएंगे तो मुल्क को ठीक कौन करेगा, बाहर से तो कोई नहीं आएगा ना। और रही फ्यूचर प्लान्स की, तो यही से मुझे नज़र आ रहा है, कोई कह रहा है मुझे लीडर बनना है, कोई कह रहा है मुझे सीएस ऑफिसर बनना है, तो यही लोग ठीक करेंगे। और एक पुश्तों में एक मतल है, कज़ीज़ीन व बाज़ूला बराज़ी, अगर आप बाहर भी मर जाएंगे ना तो आपको दफन इसी वतन में ही करेंगे। तो मुझे तो कोई जाने का इरादा नहीं, और इंशाल्लाह इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के एक चीफ इकोनॉमिस्ट आपको नज़र आएगा और फिर लोग कहेंगे कि मुझे मलाकंड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय नेम इज़ मतीउल्ला करीम, आई एम फ्रॉम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दलते के जब उस खबर पर पुख्तु की वकम दलते ची सुमरा खबर हुई टोल वही मुंग द पाकिस्तान न वतल वाड़ू नो आया ची जरा पाकिस्तान न उजम अवतासु द पाकिस्तान न उजाई नो दिल वसूक राजी दबा सूख टिक कई जमुंग द मुस्तकबिल पाकिस्तान मुस्तकबिल चिरे आगनन सब पा यूनिवर्सिटानों के अव पकालेजुन के सब कोई जमुंग द कम यंग नौजवान चिर नौजवान चिरे आगा बाहर तत्लूर पर कोशिश कई नो आगा दसरा पारा कोशिश कई दल तक जी कम फैसिलिटीज मुंग मौजूद दी आया दबा सूख रहा उबासी मुंगला दिल बार बाहर मलक न खलक राजी आगा भाई मुंगला रहुबासी करांग भाई पखपल रहुबासू जमुंग सरा शाह तारीख प्रोत मुंगल रखपल तारीख मुतालिया पकार दा चे मुंग तदीज ने नौजवान उबासू बाहर यो मलक ते लीगू अमरीके ते लीगू लंदन ते लीगू इंग्लैंड ते लीगू बोले दल तक जी कम वसाइल व पाकिस्तान की प्राते दी तदा बसूख मुंगल रहुबासी तदीन व बाहर खलक राजी आगा भाई मुंगल रहुबासी न द पाकिस्तान मुस्तकबिल चिरे आगा जियात नुजे पा यूनिवर्सिटी के आओ पा कॉलेजुनु के प्रोत द नौजवान ला शौरी तरबियत व कौल पकार दी चिदी रायक्षी आओ पखपल दा साबित की ची आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई कंट्री।
نو زما صرف دا درخواست ہے چې کم مرګری وای چې مونږه بهر تلو لپاره چې نن چانس ملوي کی زسبا ته نه ساری گم نو هغه ته زدا ریکوست کوم چې تاسو ته دې ملک نه ځای د پاکستان پر دې او بهر بل ملک ته کار کوی نو چې هغه دې خپل ملک لوکي نو سب پیدا وره کې کورا بن کی نو زه صرف دا ویل غواړم چې مونږه بهر ته لاړ شو او هغه له هر سره وکو او بیا ته غږ نه مونږ واپس دلته کې راشو دلته کې ګرځو مونږ ته وای جاب نه ملويږي ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू बस जल एक जुमले में कंक्लूड कर नो मुंगले सिर्फ कार्प को कोल पकार सिर्फ द पाकिस्तान द पर द खपल मलक द पारा चमुंग खपल मलक द पारा डेर सौ को थैंक यू थैंक यू अब ये हमें कौन समझाएगा आई एम यासिर हुसैन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड आई एम हियर टू आस्क द वन क्वेश्चन आस्क बाय डॉक्टर नदीम उल हक से लेटली दैट आप के आपको घर वाले रोक क्यों रोक रहे हैं तो सर इसका सिंपल सा आंसर यही है कि यहाँ पर मैक्सिमम फैमिलीज का जो लिमिटेशन और स्टेबिलिटी पोजीशन है वो ये है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते द मेन फैक्टर इन्वॉल्व हियर इज़ द रिस्क फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा कह रहे कि मैं प्योर साइंसेज में सोशल साइंसेज में बी एस करूँगा और इसके बाद सी एस एस का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करूँगा तो इसमें घर वालों को रिस्क नज़र आता है कि आया ये करेगा या नहीं अगर किया तो ठीक अगर नहीं तो ये उनके लिए मसला है तो इसी वजह से वो उनके लिए पहले से स्पेसिफाइड एक सिक्योर पोजीशन चाहते हैं कि अपने इंटरमीडिएट करने फिर एफ एस सी प्री मेडिकल और फिर मेडिकल एम बी बी एस में जाने क्योंकि इनमें क्योंकि इसमें इनको कोई रिस्क नज़र नहीं आता एक सिक्योर पोजीशन है तो सर इसका सिंपल सा आंसर यही है कि लोग रिस्क घर वाले यहाँ पर लिमिटेशन और स्टेबिलिटी पोजीशन की वजह से रिस्क लेना नहीं चाहते और ये मेन इशू है सो हमारे रिसर्चर और हमारे जो पॉलिसी मेकर है उनको जो है ये इस एरिया में काम करना चाहिए और इसका फ्रूटफुल जो है कंक्लूजन और आंसर निकालना चाहिए ताकि ये मसला हल हो जाए तो फिर घर वाले भी नहीं रोकेंगे और किसी को भी कोई मसला नहीं होगा और जो भी किसी का गोल है वो इजीली अचीव कर सकेगा थैंक यू थैंक यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जमानुम असदुल्ला अमीनी दे और द जर्नलिज्म डिपार्टमेंट सर ताल्लुक सातमा सर हमारा क्वेश्चन ये है कि दो सारे लोगों ने बताया कि हम मुल्क छोड़ेंगे और यहाँ से जाएंगे हमारा मौके पर हमारा वादा ये है इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को बाहर मुल्क में रिप्रेजेंट करूँगा और हमारे दीर का जो अखरूट है बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को किस किस चीज़ से मालामाल किया है बहुत ज़्यादा चीज़ों से मालामाल किया है इंशाल्लाह हम अपने मलकण की यूनिवर्सिटी को दुनिया भर में यूरोप मुल्क है या किसी और मुल्क है सारे दुनिया में रिप्रेजेंट करूँगा और बाहर से मुल्क यहाँ पर एडमिशन करने के लिए आएंगे इंशाल्लाह थैंक यू ये हमारे लास्ट स्पीकर हैं और उसके बाद आई रिक्वेस्ट के वाइस चांसलर मालाकंड यूनिवर्सिटी वीसी पाइड एंड डॉक्टर नायाब ये तीनों इनके फाइनल कमेंट्स उसके बाद प्लीज अस्सलाम वालेकुम पुख्तो की खबर डी रखे हो तुम गाजी ने मेहमाने जी पुख्तो न पुई गई उर्दू जमा कमजोर हो गया कैसे गलती हुई फिर बखाना खानदाम रहा मको शेयर पर तू एम सर दिल तक कॉन्फ्रेंस वागस तू बावजूद दी जमा एग्जाम्स दी खबर और पेपर दे खबर डी जरूरी हो सर दिल तक अबल और मिलमोर अगले वो आगे वो खबर जॉब ऑफ यूनिवर्सिटी इज टू प्रोड्यूस नॉलेज एंड आई विल बी वेरी अशेम एंड विल बी रिग्रेटिंग इट इफ नॉट आई डिडंट पुट इट नाउ एंड एट दिस टाइम व्हेन आई एम इन द फाइनल ईयर्स ऑफ the graduation khabari chi masali khalgu tak kar shwi nahi no pahagena khabar gi aw nadi so khalar rote shi no kaza da khabari wakam autan kit pa chawakam meherbani ko chi ma bhi arusta kharab lage sir da khabari chi regulation killing the economy abal aur as you session ho او دا غینې علاوه چې یو سٹارټ اپ ایکو سسټم وو کده دی کانفرنس دا سوری د لاندې زړه خبري وکم نو ډیره بخې نور شکایتونه هو ډیر دي دا مرګری چې جذباتي تقریر وکړو چې شیرونه ویو عمران خان په شانتی وو زما ډیر خوښ شو خو اصل کې د نالج کله کمې او تا ته معلوم نه چې زسه کول غواړم نو هغه انسان لپاره نقصان ورکړي او جونیم دسی تباکی گیزر
ecosystem the kam regulation killing the economy che kam points or the din ilawa che kam di the eco startup ecosystem da hage po wala sir I have two complaints che tasu annual kam da gaji baki do dalta ki festival che baki do aga tasu khatam kade de kam che us ecosystem startup the party ziyad zaru zamga the maturity da para aw sir second point da khoda walam che kala dalta ki gender equality khabar ra she I don't know why kho zamga certain teachers aw bya zamga der khalak che di aga insecure feel kai aga insecure po uli feel kai sir pakar da jamga ke yo the certain females che agasta sir pa garden ki kini da hagi study circles mung arrange ko یا مونږ چې د خپل مرګري سي کیرو سټڈی سرکل په کالج په یونیورسيټي کې په ګارډنز کې ارینج کو نو په کار دي چې هغه مونږه انکریج ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ تھینک یو اب کم از کم کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا کہ بولنے نہیں دیا آپ بہت ناراض تھے آپ کا صرف ایک مصرع رہ گیا تھا آئی وش کہ انہوں نے وہ ایک مصرع بھی آپ کا پورا ہونے دیا ہوتا کچھ بچے پیسمس لگے کچھ بچے آپٹمس لگے لیکن جو کچھ بھی ہے ہاں اور کچھ اینگری بھی لگے لیکن سب بچے پیشنیٹ لگے एंड आई थिंक यूथ को पैशनेट होना चाहिए यूथ को डेड नहीं होना चाहिए और आप सर्टनली डेड मुझे नहीं नज़र आए हैं बहुत सारे सवाल जो आपने किए और आपने कहा कि हमें जवाब नहीं मिला लेट्स बी ऑनेस्ट इन मोस्ट केसेज यू एग्जैक्टली न्यू द आंसर वो एक अंग्रेजी में हम कहते हैं कन्फर्मेशन बायस वो सारे सवाल कन्फर्मेशन बायस के सवाल थे क्या ऐसा नहीं है ऐसा है ओके है आप लोग जो भी सोच रहे हो कोई भी गलत नहीं सोच रहे ऑफकोर्स हम वी आर लिविंग थ्रू इट इसलिए सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी छोटी सी वो हो सकता है कि इनसे थोड़ी हटके हो नाराज होना मैं कहती हूँ बहुत जायज़ है लेकिन अपनी नाराज़गी को थोड़ा डायरेक्शन में रखें इस इट माइट साउंड वेरी रिटोरिकल क्लीशेड लेकिन प्लीज़ अपनी इस नाराज़गी को डिस्ट्रक्टिव तरफ ना लेके जाएँ अपनी इस नाराज़गी को अपनी पावर बनाएं जो मैंने शुरू में बात कही थी कि बड़े ख्वाब देखें मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ सर ने अभी ये अक्सर एक जुमला बोलते हैं कि पाकिस्तान में इतने साल हो गए हैं कोई ओलंपिक्स क्यों नहीं जीता सोचने वाली बात है ना एक अब्दुलसलाम आया अभी उन्होंने कहा कि जी दुनिया ने उसको माना हमने नहीं माना ऐसा क्यों हुआ तो इन सारी चीज़ों को हमें सोचने की ज़रूरत है नाराज़गियाँ एटलीस्ट आई वुड से बहुत जायज़ हैं लेकिन उन नाराज़गियों को हम उस तरफ लेके जाएं कि वो चीज़ें दुरुस्त हों आखिरी बात जो मैं कहूँगी हम कहते हैं कि जी बाहर निज़ाम इसलिए बेहतर है कि वो निज़ाम में चलते हैं यहाँ हम एक छोटी सी एक सेशन में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे मतलब जब दो मिनट होना चाहिए ना और एटलीस्ट मुझे बुरा लग रहा था जब किसी को भी बीच में शाफ कह रहा था बस करो लेकिन उसकी मजबूरी है वरना तो फिर एक ही बंदा बोलता जाएगा ये छोटी छोटी चीज़ें में भी हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है इससे लंबा मैं लेक्चर नहीं दूंगी और मैं VC मालाकंठ से कहूँगी और आपका सर पर्सनली बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज़ आइए बस हम इसको आप कंक्लूड कर रहे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वाइस चांसलर पार्ट दोनों यूनिवर्सिटियों की टीम मेरे दोस्तों रिसोर्स पर्संस मीडिया पर्संस और मेरे स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम दो दिन एक बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी चली जिसमें जितनी भी हमारे इलम के मुताबिक बातें थी वो डिस्कस हो गई इलम जो है ये कहीं पे ख़त्म नहीं होती हर एक जीना दूसरी जीने से जुड़ा हुआ है तो यकीनन ढेर सारी बातें जो है वो पूरी नहीं हो गई होगी जो वो डिस्कस नहीं हो गई होगी लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि इसको मुस्तकबिल में जारी वसारी रख के इसको आगे बढ़ाते जाएंगे ये इलम का शमा जो है ये हमारा काम है हम इसको चलाते रहेंगे ढेर सारी बातें जो थी उस पर हमने डिस्कशन कर दी मैंने अपने बच्चों के कमेंट्स भी सुने यकीनन जो
जिस तरह मैडम ने कहा कि हमारी ढेर सारी पोटेंशियल जो है इट कैन बी यूज्ड ऑन द पॉजिटिव वे और द बेस्ट एंड द लास्ट थिंग दैट वी आर नीडेड इज हाउ टू मैनेज अवर टाइम हाउ टू मैनेज अवर लाइफ. जब तक जिंदगी एक तरतीब से नहीं गुजरेगी जब तक कलाम एक तरतीब से नहीं होगी उसका असर कहाँ होगा. इसीलिए खालिक कायनात ने इंसान पे नमाज जो है अवकात पे फर्ज किया हुआ है ताकि जिंदगी में तरतीब आ जाए. ये दिन और रात सूरज का निकलना महीनों और दिनों का एक खास टाइम पे आना और जाना ये उसी की निशानी है. ले आया तिल कौम याकिलून ताकि हम सोच लें कि व्हाट इज नीडेड और व्हाट इज डिजायर्ड. बेटा जो जहां तक हमारा एक ये कॉन्सेप्ट है कि वेस्ट में सारा कुछ ठीक है तो शायद ठीक हो लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम ऑन द अदर वे अराउंड देख ले तो वहां हर एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट नौकरी करके पढ़ता है. मेरे ढेर सारे दोस्तों ने वहां से पढ़ा है और यही करना पड़ता है. जो मेरे बच्चे हैं वो सुबह तैयार होके आते हैं यही बात है. पैसे घर से लेके आते हैं तो कंपैरेटिवली आपको जो जितनी लेवरेज है पढ़ने की उनसे ज्यादा है. प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. प्रॉब्लम यहाँ है कि हम हमेशा दूसरों को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं. अगर हम अब भी शुरू करें और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस कॉन्फ्रेंस ने से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा. उसकी एक सबक जो है जो टेक होम लेसन है वो ये है कि आज से आप लोगों ने पढ़ना है और इस मुल्क के तरक्की में अपना हिस्सा डालना है. मेरी बात नदीम साहब की बात मेरे ढेर सारे दोस्तों की बात छोड़ दे. हम कितने साल और जी लेंगे कितने साल और सर्व कर लेंगे. यकीनन यही जगह आप लोगों की है और मुझे यकीन है कि आप में से कोई एक ऐसा बेहतर आदमी आएगा जिस तरह बांग्लादेश में डॉक्टर यूनस आया था. क्या बांग्लादेश की इकॉनमी और अब कहां बांग्लादेश है. आप देख ले जब तक ज़िगलर नाटा नहीं थे कपड़ों की पूरी दुनिया में एक अलमिया हुआ करता था. सब लोगों के साथ ये जो इतने कपड़े हैं वो दो बंदों की काविशों का नतीजा था. तो अगर हम किताब से दोस्ती करेंगे अपने थिए एक टारगेट रखेंगे और उस टारगेट को बड़े शौक से इसको नौकरी नहीं समझे उसको एक शौक समझ ले और उसी की तरफ बढ़े तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ही दुनिया के लीडर होंगे. और मुझे उम्मीद है जो बच्चे मेरे सामने खड़े हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक साइंस में से कोई बंदा उनमें से इंशाल्लाह नोबल लॉरिएट होगा. तो आप बता दें कौन कौन उसी क्लास में आना चाहते. राइज योर हैंड्स. बेटा ये है कि मेरे ख्याल में मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं अगर वो डेडिकेटेडली अपना काम कर ले तो अगला 10-12 साल में इसी में से कोई नोबल लॉरिएट होगा. आप में से कौन कौन उस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं. राइज योर हैंड्स. वेरी गुड. वस्सलाम. बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर का. बहुत शुक्रिया आप सबका. कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई. आई होप यू गेन समथिंग. वी गेन अ लॉट. वी लर्नड अबाउट यू पीपल और इंशाल्लाह हम साथ लेके जाएंगे. बड़ी अच्छी बातें हुई बड़ी अच्छी चीज़ें हुई. मैं एंड सिर्फ इस चीज़ से करना चाहता हूँ. मेरे सामने किताब एक है
जो मैंने खोली जब मैंने आप सबकी बातें सुनी तो मैंने कहा ये किताब ज़रूर पढ़ने के लायक दोबारा है, तो उसको मैंने खोल लिया। वो किताब मैं आपको भी कहूँगा ज़रूर पढ़ें, उसका नाम है स्टार्टअप नेशन। स्टार्टअप नेशन के बारे में आपको बताता हूँ, ये जो सवाल है पाकिस्तान से मोहब्बत शोहब्बत, हर किसी को अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, इट डजंट मीन एनीथिंग, इट डजंट मीन एनीथिंग। मोहब्बत हो सकती है, हम मुल्क का बेड़ा गर्क भी कर सकते हैं, बहुत मुल्कों ने किया, जर्मनी ने किया, जापान ने किया, सब ने पेट्रियटिज्म में अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इस्लाम ने भी किया, हम सब ने किया। जो बात होती है जो स्टार्टअप नेशन की बात है, स्टार्टअप नेशन वो नेशन है जिसमें आज तक बहुत पेटेंट्स निकल रहे हैं, बहुत दरियाफ्तें और निकल रही हैं, वहाँ पर कैपिटा पीएचडी सबसे ज़्यादा है, और वो लोग सारे उनके प्रोफेसर जो हैं वो घर में प्रोफेसर भी नहीं हैं, मोस्टली प्रोफेसर उनके जॉइंट प्रोफेसर होते हैं, अमरीका भी पढ़ाते हैं वहाँ भी पढ़ाते हैं, और उनके बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए अमरीका में पढ़ा रहे हैं, यूरोप में पढ़ा रहे हैं, 60% नोबेल प्राइजेज उनके हैं। वो अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं, वो लर्निंग के पीछे भागते हैं, क्या मुल्क की कम खिदमत करते हैं? मेरा नहीं ख्याल मुल्क की कम खिदमत करते हैं, मेरा ख्याल है वो भी मुल्क की पूरी खिदमत करते हैं, बट ये सोचना कि वो मुल्क की कम खिदमत करते हैं बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस नेशन ने अपना कौम का नाम इतना रोशन कर दिया है कि अमरीका उसकी उंगलियों पर नाचती है, अमरीका को उंगलियों पर नचाता है, और पूरे इस्लामिक नेशन को उसने मार मार के ख़त्म कर दिया, वो इज़राइल है। इज़राइल को भूख है नॉलेज की, नोबेल प्राइज जीतते हैं, हर चीज़ जीतते हैं, ओलंपिक्स में जीतते हैं। आप चले जाएं इंडिया की तरफ, आपको मालूम है कि दुनिया के टॉप 25 एग्जीक्यूटिव्स गूगल फेसबुक पता नहीं पेप्सी शेप्सी सब चीजों के कौन है लीडर्स, कौन है, क्या वो कम मुहिबुल वतन है? इंडिया के प्रोफेसरान में आप सॉरी अमेरिका के प्रोफेसरान में दुनिया के प्रोफेसरान में इंडियन शामिल हो गया, क्या वो कम मुहिबुल वतन है? अब वो दुनिया की फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। ये कहना कि मैं पाकिस्तान रहूंगा क्योंकि मैं मुहिबुल वतन हूं, सॉरी डजंट कट इट, जस्ट डजंट कट इट। सम सब्जेक्ट्स यू कांट इवन लर्न इन दिस कंट्री, बायोटेक्नोलॉजिस्ट का लाए हुए थे आज पता नहीं आए कि नहीं आए हैं, वो यहां पढ़ ही नहीं सकते, यहां आप सेमीकंडक्टर्स बना ही नहीं सकते, यहां बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते। तो ये कहना कि मैं पाकिस्तान रहूंगा, आई एम सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान रहें या जहां मर्जी रहें, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट इज इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स, एंड आई विल कॉल यू माई फ्रेंड्स, यू आर नॉट माई चिल्ड्रन, आई बिलीव इन इक्वालिटी, यू आर माई इक्वल्स, यू आर माई फ्रेंड्स, यू कैन आर्ग्यू बैक, बट प्लीज रीच फॉर द स्टार्स, रीच फॉर द स्टार्स, वेदर यू लिव इन पाकिस्तान और वेदर यू लिव आउटसाइड पाकिस्तान, आई डोंट केयर वेयर यू लिव, so long as I see, even when I am with Allah, I see some Nobel Prize winners from Pakistan, I see some Olympians from Pakistan, I don't want to see kids who are eating parathas in Nihari. Chale, kare, kaam kare, pata chale kya ho raha hai, theek hai na ji, phir baat banti hai, ye keh dena ke main Pakistan rehna chahta hu, main muhibbul watan hu, main mulk ko banaunga, aur khudara nahi bana sakte, yahan physics nahi pad sakte, यहाँ क्या पढ़ेंगे, सीरियस इकोनॉमेट्रिक्स नहीं पढ़ सकते, मैं आपको बता देता हूँ, सीरियस इकोनॉमिक्स नहीं यहाँ पढ़ सकते आप, यू हैव टू गो ओवरसीज एंड होन योर स्किल्स, अगर हमने लोहार बनना है बी द बेस्ट लोहार, अगर जेम्स काटने हैं, आप माशाल्लाह करते हैं हमारे पास रूबी शूबी, दुनिया में जेम्स कौन काटता है, हम काट सकते हैं, कौन काटता है, कौन काटता है, यहूदी या इंडियंस, हम जरा दुनिया को केयरफुली देखें और अपने आप को केयरफुली देखें, हम बहुत सारी मिथ्स और झूठ में रहते हैं, मेरी आपको सिर्फ एक ही इल्तजा है, चैंपियंस बने, चाहे यहां बने चाहे वहां बने, मुल्क का नाम तब रोशन होगा जब हम चैंपियंस बनेंगे, घर रहने से मुल्क का नाम किसी का रोशन नहीं होता। मैं तो इसके भी खिलाफ हूं कि हमारे घर के साथ यूनिवर्सिटी बनी हुई है,
मेरी तो लड़ाई हुई थी जब मैं प्लानिंग कमीशन में था डिप्टी चेयरमैन, मैंने कहा था घर के पास यूनिवर्सिटी होनी नहीं चाहिए, हर बच्चे को घर से दूर जाना चाहिए पढ़ने के लिए। मैं गया था, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो मैं नहीं करता। मेरे बच्चे गए हैं बाहर पढ़ने, क्यों? क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ सब बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें। एक बच्चा 18 साल की उम्र में चाहे बच्ची, दोनों को घर से बाहर निकलना है सीखने के लिए। घर में रह के कुछ नहीं सीख सकते आप, घर में रह के वही कल्चर सीखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इंसानी दुनिया बनती है, और इस्लाम की हिस्ट्री देख लें, बनी कब थी? जब हम बाहर गए। हाँ, उर्दू में पढ़े, फिर बने वो कौन है अपने? गांधी साहब, सैयदा आरफा बने, ठीक है जी, बने, शोएब हाशमी बने। शोएब हाशमी को भी बेचारा मर गया पिछले हफ्ते, उसके लिए दुआ पढ़ें, उसको इस मुल्क ने कभी कुछ नहीं दिया। तो इट्स नॉट अबाउट द कंट्री, इट्स अबाउट यू। व्हाट इज द कंट्री? कंट्री इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। इफ द इंडिविजुअल आर नथिंग, द कंट्री इज नथिंग। इंडिविजुअल्स हैव टू बी विनर्स, फिर बात बनती है। तो माई फ्रेंड्स, वी आर ओनली हेयर टू टेल यू, बी विनर्स। एंड द ओनली वे टू बी विनर्स इज टू डिबेट एंड आर्ग्यू। आर्ग्यूमेंट से कभी ना घबराएं, कोई आपको कहता है डिबेट और आर्ग्यू ना करें, जरूर करें। मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूँ, बच्चे क्या, मैं बच्चा कोई नहीं है, सब आप बड़े हैं, मेरे साथी हैं सब, और मैं सबको कहता हूँ अगर मेरे से बहस नहीं करते तो मैं सो जाता हूँ, और मैं वाकई सो जाता हूँ। बहस करेंगे तो मैं जागूंगा ना, को मुझे कुछ सोचवाएंगे तो मैं सोचूंगा ना, वरना क्या फ़ायदा है। तो अगर आप मुझे सोचने को नहीं लगा रहे, सिर्फ शेर व शायरी कर रहे हैं, तो मैं सो जाता हूँ, क्योंकि शेर व शायरी मुझे शौक कोई नहीं, उसमें मुझे लगता नहीं कुछ निकलता है। क्या निकलेगा शेर व शायरी में सिवाय एक शेर ने गाली दे दी? मतलब पॉइंट ये है, सिंपल, मुझे बताएं ये एटम जो है कैसे बनता है, ये कैसे बना है, ये कहाँ बनता है? चाइना बनता है ना। सबसे बड़ी कंपनी दुनिया में कहाँ है? ये एप्पल है। एप्पल की सबसे बड़ी कंपनी दुनिया में कहाँ है? यूएसए में। वो क्या करती है वो कंपनी, क्या करती है सबसे बड़ी कंपनी में दुनिया में, $2.5 trillion की कंपनी, पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी कंपनी, क्या करती है किसी को पता है? सिर्फ तहकीक, सिर्फ तहकीक, और कुछ नहीं बनाती, कुछ नहीं है, सिर्फ तहकीक करती है। सबसे बड़ी कंपनी दुनिया में $2.5 trillion, और बाकी 25 जो दुनिया के ग्लोबल चैंपियंस हैं वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी का कोई नाम नहीं है। बाकी आप देख लें, अब इंडियन जो वर्ल्ड बैंक का हेड है वो एक सिख लग गया, उसके बाद मैं क्या कहूँ? तो मेरे दोस्तों, मैं ये देखना चाहता हूँ किसी दिन आप में से भी कोई वर्ल्ड बैंक का हेड लगे, किसी दिन आप में से भी कोई गूगल का हेड लगे, फिर आप अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे, यहाँ बैठ के कोई रोशन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इंशाल्लाह मलकंद फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर फॉर द इंस्पायरिंग वर्ड्स एज ऑलवेज। I request Dr. Iftikhar, Secretary PSDE, to please share his final comments. Thank you, Shaf. Thank you, sir. What a wonderful end, closing. Please, sir. Let me speak in Pashto first, so that we can give an ownership to the occasion. Zara stazo tolo dear shukar guzarim. चितासु टोलो दा दो रजे खास कल नंद सहर रास डेर हेक्टिक रूटीनो अटेंडम को ओनरशिप अमर को वाम रे द ज द डॉक्टर साहब डेर शुक्र गुजारे मा मुंग दी ता रिक्वेस्ट को और दी मुंगला फुल सपोर्ट राको द दे मकसद सिर्फ दाओ चितासु इंक्लूसिविटी राशि दस्तासु एक्सपोजर ऋषि तासु लग द चार पर चल न खबर शे लग द दुनिया न खबर शे सिर्फ पखपल ककून के उसे दो सरेस न किएगी न प तकरीर न सिकेगी दा सिर्फ दानू चाहता दा डिलीवर शू पदे स्पीकर्स के डेर खबरें बतासो नोटकड़ी चिलका रिपिटिशन हो सो मे भी चिकल तासु ब्या दल तराजई हो के नहीं या तासु कल खबर कोई चकम बेस्ट स्पीकर उदागा परंगे स्टाइल कहो इदागा परंगे तरीका कहो इदागा परंगे तैयारी कहोई द्वैम जमा तासुना यो ओड़ू के गिलम दा जमुंग चिकम दा सीमा दा दा डेर मेहमान नवाज सीमा दा और दस्तासो चिकम मिलमान राजी आगी सर काइंडली दागी एफर्ट तक हो रही दा मशरान दी जमुंगा सर नास्ती परुण संग टोलश पर बिजली नवा अतला रातला अर सखुतासो सर दल तनास्ती सहर रास मुंग बार दन नतली खुदा दुआ कसान उम दल तनास्तु नो दी सरतासो संग खबरें कवई दी लतासो से इंप्रेशन वर कवई दी तासुला दो रज इधर के तासु दी स फ्लेवर वर्क हुई जी दी वापस जान सर ही ओसी ओवल तासु वाई जिदा आखिर ने इवेंट ही जमूंगा तासु
یو درون دا غو کوي مزاج ساتي غصہ دا زمون ټولو دا هم پدې معاشره کې موږ اوسېګو کتا سو ته یو شی غلط کاری یا مات صحیح نشی ښکاری دکې دے خو داغه طریقہ دا غصې وستو یو لای عمل ته کول لی دے سره دا دستا سو پارا بینگ ٹیچر زما یو نصیحت هم دے چې کائنڈلی نیکسٹ ٹائم چې هر څوک راځي زما به دا کوشش اس بیا ځا کانفرنس دلته وروړم دا سر ډیره شکریہ رشید صاحب دی چې کله زموږ د ریجنل کانفرنسز آئیڈیا راغله لاسټ منتھ موږ گلگت ته لاړو دے منتھ پی ایچ ڈی چې دے پاکستان سوسائٹی آف ڈیولپمنٹ اکانومسٹ ما دلته وروړو اله چې ما ویل زه خپلې سیمې ته یوسم دلته ما ته هغه رنګ سپورٹ هم ملاو شو او ډیر زیات اونرشپ وو د چې کوم زموږ کولیگز دی او دا مینجمنٹ نه اور ڈیر لگ ٹائم کے منگ داؤ کو خو اٹ شوڈ بی آر ریگولر افیئر دا ضرور نہ جی صرف پائی ڈی یا پی ایچ ڈی بہ منگ دل تک تاسو پکار دین اس دکڑو کئی نورو یونیورسٹو سر ہوم تاسو کلیبوریشن ہو کئی او زغواڑم دا چې تاسو راشی قائد اعظم یونیورسٹی کے تاسو وینو پائیڈ کے تاسو وینو تاسو خپل رول ادا کئی ناو آئی وڈ لائک ٹو تھینک ڈاکٹر رشید احمد فار یور collaboration and extended full support. I'll also thank my team. May I request you all to please come on the stage. My media team, Mansoor, Humayun, Saeed, the camera persons, Jahangir. And I would request Dr. Ikram and Dr. Usman, along with his support team, Fida Saab for the media, to please come on the stage. آپ لوگوں کی کولیبوریشن کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا آپ تمام کا شکریہ جنہوں نے بھی کیونکہ یہ بہت کم ٹائم میں بہت لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا دس ٹیمز 20 پلس یونیورسٹیز 40 پلس اسپیکرز سو اس میں بہت ساری ایفرٹ شامل ہے تھینک یو آل تھینک یو ویری مچ جی افتخار صاحب نے کچھ مشورے بھی آپ کو دیے بالکل جی ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی لیکن اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو پائیڈ کے جو ہمارے مہمان ہیں اگر کوئی اس میں کسر رہ گئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں اور انشاءاللہ جس طرح افتخار صاحب نے کہا کہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اب یہ رکنے والا نہیں ہے تو وی وڈ لو ٹو ہوسٹ دا نیکسٹ کانفرنس ایز ویل ایک بندے کے لیے آپ نے اسٹینڈنگ اویشن دینا ہے دا پرسن ہو براٹ دس کانفرنس ٹو یونیورسٹی آف ملکنڈ پلیز ڈاکٹر اکرام فرام دا ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس پلیز سر ڈاکٹر افتخار فرام پائٹ جی اسٹینڈنگ اویشن فار ہم جی جی ہمایوں صاحب ہے آئی ٹی کا سب کچھ میں نے منصور صاحب کھڑے ہیں ان کی ٹیم ممبرس جی باقی سب ٹیم ممبرس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے سے پہلے میں دو چار باتیں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے مشکور ہیں میڈم آپ کے مشکور ہیں افتخار صاحب آپ کے اور آپ کے ٹیم کے مشکور ہے اپنے سارے دوستوں کی جو ملاکنڈ یونیورسٹی کے میرے دوست ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں یہ جو ایونٹ دو دن آن لائن چلتا رہا یہ سارا کچھ جو ہوتا رہا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کاوش ڈھیر سارے لوگوں کی تھی ڈاکٹر صاحب آپ کی سرپرستی کی شکریہ یقیناً ہم نے مہمان نوازی آپ لوگوں کے شان کے مطابق نہیں کی یقیناً اس میں ڈھیر ساری کمیاں رہی ہوگی جتنی اچھی باتیں تھی ان جوانوں کی تھی جتنی غلطیاں تھی وہ میری تھی تو آئی ایم ساری فار مائی فالٹس ریکویسٹ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی کروں گا کہ اگلے سیمسٹر میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہی کانفرنس پھر یہاں کر لیں گے تھینک یو سر یہ چونکہ ہم نے بڑے شارٹ ٹائم پہ کیا جہاں تک ایک گلہ مجھے میرے اسٹوڈنٹس نے یہ کیا کہ کانفرنسز تو بیٹا وی آر ڈوئنگ اٹ آن ریگولر بیسس لیکن اپنا وقت بھی نکال کے بیٹھ جایا کرے
उस्मान साहब से कहूंगा कि इसको इंश्योर कर दे कि हर एक डिपार्टमेंट साल का एक कॉन्फ्रेंस कर दे। इस साल इकोनॉमिक्स का हो गया, फिजिक्स का हो गया, जिन जिन का हो गया है दैट्स फाइन, जिनका नहीं हुआ वो प्लीज़ उनको कह दे के कर ले। मैं आप सब लोगों का बड़ा मशकूर हूँ, जो कुछ आपने किया मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा किया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, और मेरा ख्याल था कि आप लोग इसी का सत्यानाश ही कर देंगे, क्योंकि जितनी तेजी से आप लेके आए और फिर शुरू किया, लेकिन जो आप लोगों ने किया दिस वॉज अ वंडर, कांग्रेचुलेशन टू ऑल। और आप लोगों को अगर मैंने दरमियान में कोई झाड़ पे लाई है या बात नहीं मानी तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरा ख्याल था कि इसको बेहतर से बेहतर कर दिया जाए। थैंक यू ऑल। अच्छा जी, तीन लोगों के नाम अनाउंस करूंगा और वंस अगेन स्टैंडिंग ओवेशन। प्रोफेसर डॉक्टर नदीमुल हक, डॉक्टर दुरेन आया, प्रोफेसर डॉक्टर रशीद अहमद, प्लीज। टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट के बगैर ये चीज़ें नहीं होती जी, एंड वी वर गिवन अ ग्रीन सिग्नल, वी वर कम्प्लीटली एम्पावर्ड के जो आपके दिल में आए करे लेकिन इवेंट सक्सेसफुल हो। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, और स्टूडेंट्स के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए तालियां, आपकी वजह से ये सक्सेसफुल रहा, आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।